राजस्थान के बड़े आदिवासी चेहरे यानी महेंद्र जी सिंह मालवीय ने बीजेपी में जाने का मन बना लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि केवल मालवीय ही नहीं बल्कि कई और दिग्गज भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि मालवीय 20 फरवरी को उदयपुर में अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। खबरें चल रही हैं कि महेंद्र जी सिंह मालवीय नाराज हैं। वो नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे लेकिन पार्टी ने टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। खबरें चल रही हैं कि महेंद्र जी सिंह मालवीय नाराज हैं। वो नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे लेकिन पार्टी ने टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बना दिया, जिसके बाद से महेंद्र जी सिंह मालवीय पार्टी से खफा हो गए। इसे लेकर टीकाराम जूली ने भी कहा, अगर मालवीय नेता प्रतिपक्ष बनने की बात पर बीजेपी में गए हैं तो वो एक बार कहते तो सही। मैंने तो कल भी कहा था, अगर इसी बेस पे वो गए हैं तो मैं तो उनको बनाने के लिए तैयार था। वो कहते तो सही, बात ये नहीं होती है। जब जाने का कहीं मन होता है तो ठीकरा दूसरे पे फोड़ा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात मेरे काम की, मैं मेरा काम भली भांति जानता हूँ। और बनने के बाद में मैंने जो एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो काम होना चाहिए वो किया है, उसमें मेरे को किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। वो सर्टिफिकेट मेरी पार्टी और राजस्थान की जनता देगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये आने वाले चुनाव के अंदर बौखलाहट के अंदर है, उनको लग रहा है कि वो नहीं जीत रहे हैं, इसलिए वो कांग्रेस के नेताओं को चुन चुन के बुला रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं दबाव में या किन्हीं कारणों से बीजेपी के अंदर लेके जा रहे हैं। तो बीजेपी अपने आप में सक्षम है तो कांग्रेसियों की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप एक तरफ तो कह रहे हो 400 पार, तो 400 पार में कम हो जाएगी, क्यों कांग्रेस वालों के पीछे पड़ रहे हो? चारों तरफ भर्ती खोल रखी है कि कोई आ जाए, हमारी अब की बार तीसरी बार सरकार आ जाए। आपको बता दें कि मालवीय अभी बागी दौरा से विधायक है। अगर वो बीजेपी में जाएंगे तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। क्या बगैर किसी बड़े ऑफर के वो विधायकी छोड़ेंगे? ये बड़ा सवाल है। साथ ही सवाल ये भी है कि महेंद्र जी सिंह मालवीय के लिए बीजेपी अपने दरवाजे क्यों खोल रही है, जबकि बीजेपी बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट तो जीती हुई है। लेकिन आपको बता दें कि पार्टी सर्वे के अनुसार इस बार बीजेपी की जमीन इस इलाके में खिसकी है, जहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरे प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं इस इलाके में पार्टी को भारी नुकसान हुआ है। डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों में 2018 के चुनाव में बीजेपी को 5,74,867 वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 7,11,709 वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 7,11,709 वोट मिले थे, लेकिन 2023 के चुनाव में बीजेपी का वोट घटकर 5,30,123 पहुंच गया है। पार्टी को सीटों का भी नुकसान हुआ है। वहीं आदिवासी पार्टी ने अपना जनाधार बढ़ाया है। पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 8 सीटों में से 2,05,770 वोट प्राप्त किए। 2019 के लोकसभा चुनाव में ट्राइबल पार्टी के उम्मीदवार कांतिलाल रोत को 2,50,761 वोट आए थे। वहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 4,81,591 वोट मिले, यानी 2018 के मुकाबले आदिवासी पार्टी को दोगुना से ज्यादा वोट मिले। चर्चा थी कि आदिवासी पार्टी और कांग्रेस अलायंस यानी गठबंधन कर सकते हैं, हालांकि उसमें कई पेश हैं, लेकिन ऐसा होता है तो मालवीय और बीजेपी दोनों के मिशन पर खतरा होता। जाहिर है इन समीकरणों ने मालवीय के लिए बीजेपी के दरवाजे खोलने में मदद की है। अब अगर मालवीय बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी उनको क्या ऑफर देती है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।